morning, students. I hope you all are fine. As we know, we have completed our first term examination. So, from today, we are going to start our second term syllabus. Today, we will discuss about chapter 8 of EVS, Houses We Live In. Why do we need houses? We need houses to live in. हम houses में रहते हैं. और हाउसेस हमें किस किस चीजों से प्रोटेक्ट करता है? कोल्ड से, हीट से, रेन से और बैड वेदर. अगर वेदर खराब हो जाता है तो भी हाउसेस हमें प्रोटेक्ट करता है. और किन किन चीजों से हमें प्रोटेक्ट करता है हाउस? एनिमल्स से, हीट से, इन सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करता है और हम अपने हाउस में सेफ और कंफर्टेबल रह सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ हाउसेस. कितने टाइप्स के हाउसेस होते हैं? There are two types of houses, temporary houses and special houses. Temporary houses के भी कुछ types होते हैं. First, कितने types हैं इसमें? Three types होते हैं temporary houses के. First, houseboat. Second, wheel caravan. Third, tent. Temporary houses. Temporary houses तो क्या होते हैं? Temporary houses वो houses होते हैं जो one place से another place पे move करते हैं. Temporary houses are those houses which can move from one place to another places. Next is houseboat. Houseboat क्या होती है? Houseboats वो होती हैं जो one place से another place पे move करती हैं. और houseboat, boat के नाम से जिससे आप जान रहे होंगे, boat किसमें चलती है? Water पे. तो houseboat भी किसमें चलती है? Water पे चलती है. कुछ tourists इसमें बैठ के one place to another place भी जाते हैं. For example, we can go Kashmir to Kerala. We can move Kashmir to Kerala. हम लोग वहाँ पे visit कर सकते हैं. Next है आपका wheel caravan. Wheel caravan से जैसे समझ रहे हैं, wheel मतलब क्या हो गया? पहिया. तो वो इसकी बनी होती है, उसपे पहिए लगे होते हैं, wheels लगे हुए होते हैं wheel caravan. और wheel caravan पे बैठ के हम किसकी खोज पे जाते हैं? Food and water की खोज पे जाते हैं. Wheel caravans मूव करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. एंड इनको हम क्या कहते हैं? नोमैड्स. इन पीपल्स को हम नोमैड्स कहते हैं और हिंदी में इसे हम खानाबदोश कहते हैं. ये व्हील्स के ऊपर ही बनी होती है और ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाती है. नेक्स्ट है टेंट. टेंट जो होते हैं वो कैनवस के बने होते हैं. कैनवस एक टाइप का क्लोथ होता है जो जिसके टेंट बने हुए होते हैं, जिसको हम इजीली फोल्ड कर सकते हैं और वन प्लेस से अनदर प्लेस भी इजीली ले जा सकते हैं. ये ज्यादातर माउंटेनियर्स और कैंपिंग के लिए यूज होता है. वहां पे हम लोग इसको लगा के बैठ सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा स्पेशल हाउसेस. स्पेशल हाउसेस वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे लोकेटेड होते हैं और पर्टिकुलर प्लेस पे प्लेस के लिए ही बने होते हैं. फॉर एग्जांपल, इग्लू. इग्लू जो है किस जगह पे बन सकता है? बर्फीली जगह पे बन सकता है जहाँ पे बहुत ही स्नोफॉल हो. क्या जहाँ पे बहुत ही हीट होती है, जैसे राजस्थान के ऐसे वहाँ बहुत हीट होती है, क्या वहाँ पे इग्लू बन सकता है? नहीं बन सकता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्फ पिघल जाएगी, हीट से बर्फ पिघल जाएगी, इसलिए वहाँ पे इग्लू नहीं बन सकते हैं. स्पेशल हाउसेस के भी थ्री टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? इग्लूस. सेकेंड है स्टिल्ट हाउसेस. थर्ड है हाउसेस विद स्लैंटिंग रूफ्स. फर्स्ट इग्लूस. इग्लूज के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था. वो किस जगह पे होते हैं? बहुत ही स्नोई जगह पे होते हैं जहाँ पे बहुत ही बर्फ गिरती है, वहाँ पे इग्लूज बनाए जाते हैं. स्टिल्ट हाउस. स्टिल्ट हाउस कौन से हाउसेस होते हैं? जहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्लड आती है, मतलब कि बाढ़ आती है, वो होते हैं हमारे स्टिल्ट हाउसेस होते हैं. हमेशा ये हाउसेस जो होते हैं वो ग्राउंड के थोड़ा सा अबव पे बनाए जाते हैं ताकि जब बाढ़ आए हम हाउसेस में सेफली रह सकें और बाढ़ हमारे घर को ब्रेक ना कर पाए. और ये हाउसेस ज्यादातर वुडन के बने हुए होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं. नेक्स्ट है हमारा हाउसेस विद स्लैंटिंग रूफ्स. कुछ हाउसेस की रूफ जो होती हैं, जो छतें होती हैं, वो स्लैंटिंग होती हैं. क्यों स्लैंटिंग होती है? ताकि जब रेन हो या फिर बर्फ गिरे तो वो इजली डाउन होके नीचे गिर जाए और हमारे हाउसेस को कुछ भी ना हो, हाउसेस हमारे सेफ रह सके. इसलिए वो उसकी रूफ्स कैसी होती है? स्लैंटिंग होती है ताकि उससे हम
सके। Here we have completed our chapter 8 of EVS. Hope you have understood all the things properly. Now I will give you some homework. Okay students, now look at the page number 26, question number 1. MCQs, you have to do it in your book. And in very neat and clean handwriting, you have to do it in your book and send it in your group. That's all for today. Thank you.